थावरचंद गहलोत से ही खास बात की है न्यूज नेशन संवाददाता मोहित राज दुबे ने, दिखाते हैं आपको। देश के एक ऐसे केंद्रीय मंत्री जो लगातार पिछड़ों के बीच में रहे, लोगों के लिए काम करते रहे, अब वो कर्नाटक के गवर्नर बनने जा रहे हैं। जी हाँ, थावरचंद गहलोत साहब खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। गहलोत साहब, अब किस तरीके से आपकी यात्रा शुरू होने वाली है? निश्चित रूप से राज्यपाल का दायित्व संवैधानिक दायित्व है। मुझे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जो दायित्व मिला है, मैं उसको कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से परिश्रम के साथ निभाने की कोशिश करूँगा। हमने लगातार आपको देखा है कि आपने संगठन में भी काम किया, मंत्रालय में भी काम किया, सदन के भीतर भी लगातार आप सक्रिय रहे। मिस नहीं करेंगे आप? आपको नहीं लगेगा कि अभी रहना चाहिए था यहाँ? देखो, ये तो परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं। मुझे जो जो दायित्व मिला पहले, उसको भी मैंने निभाने की कोशिश की, और अब जो दायित्व मिला है उसको भी निभाने की कोशिश करूँगा। संसदीय जीवन और विधानमंडलीय जीवन का लंबा कार्यकाल रहा है मेरा, अब उससे ऊपर उठ करके राज्यपाल का दायित्व निभाना है। जो दायित्व पहले था उसमें भी खुश था, और जो मिला है इसमें भी खुश। मैंने आपको देखा है मध्य प्रदेश से, लगातार मध्य प्रदेश में भी आपने काम किया, यहाँ भी काम किया। मध्य प्रदेश से उस गांव से आते हैं आप, जहाँ पर अमूमन लोग इस यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, उस यात्रा को किस तरीके से आप याद करते हैं? मध्य प्रदेश की धरती को किस तरीके से आप सलाम करते हैं? देखो, मध्य प्रदेश की धरती को मैं हमेशा नमन करता हूँ, याद करता हूँ। देश की भूमि को भी नमन करता हूँ। बचपन से जो मुझे दायित्व मिला उसको मैं निभाता गया, और उस कारण से मुझे एक नहीं अनेक दायित्व मिलते रहे। अभी भी जो दायित्व मिला इसको भी निभाऊंगा। सर, आपको नहीं लगता कि कर्नाटक में चुनौतियां बहुत ज़्यादा होंगी आपके लिए बतौर गवर्नर के तौर पर? मैंने बताया कि राज्यपाल का दायित्व समय समय पर जो संवैधानिक विषय आते हैं सामने, उसका समाधान करने का रहता है, उस संबंध में विचार विमर्श करने का होता है। जो जो विषय सामने आएंगे निभाएंगे। अब आपको पार्टी से भी इस्तीफा देना होगा, मंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा, ये कब करने जा रहे हैं? कल 7 जुलाई को मैं तीनों पदों से, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से, राज्यसभा की सदस्यता से और मंत्री पद से त्याग पत्र दे दूंगा।